दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। आज के वीडियो में हम लोग गुड्स वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रेल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेल में अब जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एयर ब्रेक से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपसे बन सके। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ई इन एसईबी ऑफ गुड्स स्टॉक इज, यानी कि ई डायमेंशन पूछा जा रहा है कि गुड्स स्टॉक का जो स्टैंडर्ड ई डायमेंशन होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है और जो सही आंसर है आपका वो है 575 mm, 575 mm। अगला क्वेश्चन है, इन यार्ड लिविंग मिनिमम परमिसेबल डायमेंशन ई इन एसईबी ऑफ गुड्स स्टॉक इज, इसका सही आंसर है 555 mm। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का मतलब होता है डीवी, यानी कि जो डीवी का कलर कोड होता है गुड्स स्टॉक में ये होता है येलो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन एयर ब्रेक इम्प्टी स्टॉक इंड टू इंड गुड्स रैक, द इम्प्टी रैक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन बिफोर, बिफोर हो जाएगा नेक्स्ट लोडिंग। इन एयर ब्रेक इम्प्टी स्टॉक इंड टू इंड गुड्स रैक, कहता है इंड टू इंड गुड्स रैक जो होता है तो अगर वो अनलोडिंग हो जाता है, ठीक है, रैक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन बिफोर, कहता नेक्स्ट लोडिंग से पहले उसको इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए देना पड़ेगा। तो ये हो गया सही ऑप्शन बी, नेक्स्ट लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एयर ब्रेक इंड टू इंड रैक आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेंस अप टू द, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से पढ़ते हैं, इन एयर ब्रेक इंड टू इंड रैक आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ बीपीसी रिमेंस अप टू, तो इंड टू इंड में जो वैलिडिटी होता है बीपीसी का वो होता है अप टू डिस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कंट्रोल रॉड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, दोस्तों जो एयर ब्रेक गाड़ी में जो एयर ब्रेक सिस्टम होता है गुड्स ट्रेन में, तो उसी का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है ये कंट्रोल रॉड, और इसका डायमीटर क्या होता है 32 mm, 32 mm याद रखना है, कंट्रोल रॉड का डायमीटर है 32 mm। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सन BOXN वैगन इज इन इम्प्टी कंडीशन इज, इम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्टॉक कितना होता है 85 ± 10 mm, इसका सही आंसर है 85 ± 10 mm। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पिस्टन स्टॉक ऑफ BOXN वैगन इन लोडेड कंडीशन इज, कहता है जब लोडेड कंडीशन हो, अभी आप देखें इम्प्टी कंडीशन में बॉक्सन वैगन का पिस्टन स्टॉक होता है 85 ± 10, और अब पूछ रहा है लोडेड कंडीशन में कितना होता है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये होता है 130 ± 10 mm। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पिस्टन स्टॉक इज इम्प्टी कंडीशन ऑफ वाई वैगन इज, कहते हैं BOY वैगन जो होता है उसका इम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्टॉक कितना होता है, तो यहाँ पर इसका होता है 90 ± 10 mm।
क्वेश्चन नंबर 10, पिस्टन स्टॉक इज लोडेड कंडीशन ऑफ BOY वैगन इज, कहता है BOY वैगन जब लोडेड कंडीशन में हो तब पिस्टन स्टॉक कितना होगा, 135 प्लस माइनस 10 mm। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम्स इनवैलिड इफ़ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड, कहता है एयर ब्रेक स्टॉक जो होता है उसका BPC इनवैलिड हो जाता है कब, जब वो किसी रैक, उसका जो रैक है किसी यार्ड में कितना देर स्टेबल रहे तो BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है 24 आवर, अगर कोई गाड़ी किसी यार्ड में 24 आवर खड़ी रहे तो उसका BPC इनवैलिड हो जाएगा। तो याद रखना है 24 आवर यानी कि 24 घंटा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12, डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड विद इन, कहता डर्ट कलेक्टर को हम लोग कब साफ़ करते हैं, डर्ट कलेक्टर को क्लीन कब करते हैं। तो दोस्तों जो गुड्स का जो डर्ट कलेक्टर है उसको हम लोग क्या कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ ROH, ROH के समय में डर्ट कलेक्टर को क्लीन करते हैं। जबकि अगर पैसेंजर का बात किया जाए, ICF कोच हो तो उसको हर एक 1 महीने पर डर्ट कलेक्टर को साफ करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन, कहता गुड्स ट्रेन में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, ये होता है 6 लीटर। दोस्तों कंट्रोल रिजर्वायर कहाँ पर होता है, तो ये DV के ही पीछे में लगा रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर है हाउ मे क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, कहता है कंटिन्यूटी टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो ब्रेक वैन में कितना ड्रॉप करना चाहिए एयर, तो ब्रेक वैन में हम लोग पूरा एयर 5 kg ड्रॉप करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज, तथा ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का कलर क्या होता है, तो ब्रेक पाइप का कलर होता है ग्रीन। और फीड पाइप का कलर क्या होगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज, दोस्तों वैगन जो है वो सिंगल पाइप पर भी चलता है और डबल पाइप पर भी चलता है, तो जहाँ ट्विन पाइप होगा वहाँ ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों रहेगा, और जहाँ सिंगल पाइप रहेगा वहाँ केवल ब्रेक पाइप ही रहेगा। तो ब्रेक पाइप का कलर हुआ ग्रीन, और फीड पाइप अगर रहेगा तो उसका कलर हो जाएगा वाइट। यही कोचिंग में भी होता है ग्रीन और वाइट। व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन, कहता है इंजन में ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 5 kg/cm². क्वेश्चन नंबर 18, द बीपी प्रेशर द ब्रेक पाइप प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस, कहता है कि जब लोड बॉक्सन वैगन का 56 हो तो ब्रेक वैन में कितना से कम प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4.8 kg/cm², इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, कहता है फुल सर्विस एप्लीकेशन के दरमियान में जो ब्रेक सिलेंडर का इफेक्टिव प्रेशर है वो कितना होता है, तो ये होता है 3.8 kg/cm². अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चर्चा करते हैं, व्हेन वी रिलीज मैनुअली के टाइप DV द एयर ब्रेक रिलीज फ्रॉम द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, व्हेन वी रिलीज मैनुअली के टाइप DV द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, कहता हम जब के टाइप के DV को मैनुअली रिलीज किया जाता है तो एयर का जो प्रेशर है वो किससे रिलीज होता है, तो ये BC एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम, एयर प्रेशर जो है किसका एयर प्रेशर रिलीज होता है, तो BC और CR का रिलीज होता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप ऑफ बीपी टू डीवी फॉर वैगन इज, मतलब ब्रेक पाइप से डीवी के ब्रांच पाइप का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है वैगन में, ये 20 mm होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, इफ ई एल डी हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजिशन ऑफ एम्प्टी वैगन द रिजल्ट विल बी, दोस्तों ई एल डी का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी लोड डिवाइस, वैगन में एम्प्टी लोड डिवाइस लगा रहता है, तो बोलता है कि अगर ई एल डी हैंडल को हम लोग क्या करेंगे, केप्ट ऑन लोडेड पोजिशन ऑफ एम्प्टी वैगन, कहता है वैगन एम्प्टी है और हम उसको लोड पोजिशन में अगर रखते हैं एम्प्टी लोड डिवाइस के हैंडल को, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होगा, ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा, ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन वन BOXN वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज, कहता है एक बॉक्स एन वैगन में ब्रेक ब्लॉक की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 8, तो सही आंसर हो गया 8। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ए डायमेंशन इन बॉक्स एन वैगन इज, बॉक्स एन वैगन का ए डायमेंशन कितना होता है, तो ये होता है 70 + 2 - 0 mm। अब है क्वेश्चन नंबर 25, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, टेस्ट प्लेट के होल का डायमीटर कितना होता है, यह होता है 7.5 mm, सही आंसर है 7.5 mm। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर चर्चा करेंगे, डी वी इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, कहता है डी वी जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, तो डी वी जो है ये कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ा रहता है, सी पी बी, कभी कभी पूछा जाता है सी पी बी का फुल फॉर्म क्या होता है, सी पी बी, तो इसका होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर चर्चा करते हैं, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्स एंड वैगन इज, दोस्तों कभी कभी एयर ब्रेक के जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका डायमीटर भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है, ये होता है 355 mm। दोस्तों हम लोग जिस ऑब्जेक्टिव टाइप पर अभी चर्चा कर रहे हैं इस पर हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल रियल टेक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आगे आपके डिमांड के अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर इन BVZC वैगन इज, कहता है BVZC वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 305, यानी 305, 305 mm। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एक्जिलरी रिजर्वायर वैगन इन एयर ब्रेक एक्सेप्ट ब्रेक वैन इज, द कैपेसिटी ऑफ एक्जिलरी रिजर्वायर, कहता है वैगन में जो AR लगे होते हैं, ठीक है, ब्रेक वैन को छोड़ के बोल रहा है, जो AR लगे रहते हैं एक्जिलरी रिजर्वायर, उसका कैपेसिटी होता है 100 लीटर, और जो ICF कोच में जो AR लगे होते हैं उसका जो कैपेसिटी है वो 200 लीटर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ द वैगन इज, कहता है सिंगल पाइप सिस्टम में जो वैगन का रिलीजिंग टाइम है वो कितना होता है, तो ये होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ SAV इज नेम्ड एज, कहता कंट्रोल रॉड हेड और बैरल, SAV बैरल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग ए डायमेंशन बोलते हैं, तो इसको हम लोग ए डायमेंशन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32, द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रैक इज,
कहता है जो द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन, कहता है एयर ब्रेक टेस्टिंग करने के लिए जो कंप्रेसर मशीन होता है उसका कैपेसिटी क्या होता है, यानी उसमें प्रेशर कितना बिल्डअप होता है। तो ये होता है 8 to 10 kg/cm². सही आंसर है 8 to 10 kg/cm². अब क्वेश्चन नंबर 33 है, इन सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम बीपी इज चार्ज विथ, इन सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, कहता सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी जो है वो कितना केजी से चार्ज होता है। तो दोस्तों ये चार्ज होता है 5, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ये 5 kg से चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम इंड टू इंड रैक इज, कहता ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर जो इंड टू इंड रैक होता है उसका मिनिमम ब्रेक पावर कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 95%। थर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द एक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, कहता है ट्विन पाइप सिस्टम में एक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर जो है वो कितना होगा। तो इसका प्रेशर जो है ये 6 kg होगा, क्योंकि ट्विन पाइप जो सिस्टम होता है उसमें एआर जो है वो फीड पाइप से चार्ज होता है, तो फीड पाइप का प्रेशर होता है 6 kg, तो इसीलिए एआर का भी जो प्रेशर है वो होगा 6.0 kg/cm². अब है 36 नंबर का क्वेश्चन, विथ द हेल्प ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक द एयर प्रेशर इन एयर हॉज इज एग्जॉस्टेड और क्लोज्ड, कहता है विथ द हेल्प ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक, कहता कट ऑफ एंगल कॉक की सहायता से एयर प्रेशर इन एयर हॉज इज एग्जॉस्टेड और क्लोज, कहता जो एयर प्रेशर होता है एयर हॉज का वो एग्जॉस्टेड भी हो सकता है और क्लोज भी, ये सही है कि गलत है। तो यह है ट्रू, सही आंसर हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर है 37, द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक फॉर नोडल पॉइंट इज, दोस्तों सीसी रैक का मतलब क्या होता है। तो सीसी रैक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रैक, और इसका जो बीपीसी होता है ब्रेक पावर ये 100% होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 100%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर चर्चा करेंगे, ब्रेक पावर सर्टिफाइड इशू फॉर सच प्रीमियम इन टू इंड रैक विल बी वैलिड फॉर, सर्टिफाइड लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर सच प्रीमियम इंड टू इंड रैक विल बी वैलिड फॉर, कहता है प्रीमियम इंड टू इंड रैक जो होता है उसका जो बीपीसी इशू होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। तो यह है 12 + 3 days, यानी कि 12 day, और गाड़ी अगर अनलोड नहीं हुआ है लोड है तो 3 days का इसमें ग्रेस दिया जाता है, तो कुल मिला के 12 + 3 day होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 39, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम इज, कहता है कंट्रोल रिजर्वायर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, कंट्रोल रिजर्वायर में एयर प्रेशर कितना होता है ट्विन पाइप में, तो ये होता है 5 kg/cm², क्योंकि कंट्रोल रिजर्वायर जो है ये चार्ज होता है ब्रेक पाइप के द्वारा, ब्रेक पाइप के द्वारा चार्ज होता है, तो ब्रेक पाइप का प्रेशर क्या होता है 5 kg का, तो इसलिए इसका भी जो है सीआर का प्रेशर हो जाएगा 5 kg। दोस्तों ये सारे प्रश्न डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार ये रेल के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यदि आप भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर CNW या जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप अथवा टेक्नीशियन Grade 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीसी, यानी कि डर्ट कलेक्टर। दोस्तों, डर्ट कलेक्टर का फंक्शन क्या है? तो ये नाम से स्पष्ट है, डर्ट कलेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? डर्ट मतलब होता है धूल कण, यानी कि ये हवा को साफ करता है। यानी जो एयर ब्रेक का पाइपलाइंस है उसमें कोई अगर गंदगी आ जाती है तो उसको ये क्या करता है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और उसको हम लोग क्लीन करके निकाल देते हैं, यही इसका फंक्शन है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? क्लीन एयर। इसका काम क्या है? एयर को क्लीन करना। डस्ट कलेक्टर काम क्या है? एयर को क्लीन करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन ए मिनट आफ्टर पुटिंग ए टेस्ट प्लेट इन लोकोमोटिव। हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन ए मिनट, कहता है एक मिनट में हम लोग कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे जब हम लोग किसी लोकोमोटिव पर टेस्ट प्लेट लगा के टेस्ट करते हैं। तो यह है 1 kg/cm², 1 kg/cm². क्वेश्चन नंबर 42, डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज इन गुड्स ट्रेन, कहता है गुड्स ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों का डायमीटर कितना होता है? तो इसका डायमीटर होता है 32 mm, यानी कि 32 mm। क्वेश्चन नंबर 43, द थ्री ब्रांच पाइप अटैच्ड टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लेड टू। दोस्तों, कॉमन पाइप पाइप का ब्रैकेट जो होता है डीवी में लगा हुआ, तो उसमें तीन पाइप आके जुड़ा रहता है। तो पूछता है कि जो मिडिल पाइप है यानी जो बीच वाला पाइप है वो किससे जुड़ा रहता है? तो ये जुड़ा रहता है AR से, एक्जिलरी रिजर्वायर से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मेनी कट ऑफ एंगल कॉक आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम, कहता है ट्विन पाइप सिस्टम में कितना कट ऑफ एंगल कॉक जो है वो दिया रहता है? तो ये होगा 4 नंबर से, यानी 4 दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ हैंडल इन रिलेशन टू द रेल लाइन शैल बी, कहता जब हम डीवी को आइसोलेट करते हैं तो रेल लाइन के तुलना में जो डीवी का हैंडल है उसका पोजीशन कैसा रहना चाहिए? ये रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल, यानी जो आइसोलेटिंग हैंडल है डीवी का वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि डीवी आइसोलेट कर दिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 46, इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक, इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या है? पुल रॉड पिन। ओके, कहता किस पिन को, अगर ब्रेक ब्लॉक जो है रिलीज नहीं हो रहा है, वो जाम है, वो चक्का को पकड़े हुए है यानी कि व्हील को पकड़े हुए है, तो हम लोग हिंड पुल रॉड के पिन को निकाल देते हैं ताकि ब्रेक जो है वो फ्री हो जाता है, यानी कि व्हील जो है वो ब्रेक से फ्री हो जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, कहता ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान एयर किधर फ्लो करेगा? तो ये AR से BC की ओर फ्लो करेगा, AR to BC। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग आते हैं, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू क्लॉज एंगल कॉक इज, ओके, कहता है पोजिशन ऑफ हैंडल टू क्लॉज एंगल कॉक इज, कहता है जब एंगल कॉक को हम लोग क्लॉज कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं तो उसका हैंडल का पोजिशन क्या होगा? तो यह होगा परपेंडिकुलर टू पाइपलाइन, पाइपलाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब है 49 नंबर का क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक इज, कहता है जब एंगल कॉक ओपन कंडीशन में रहेगा तब उसका हैंडल का जो पोजीशन है, एंगल कॉक का जो हैंडल है उसका पोजीशन कैसा रहेगा? तो ये रहेगा पैरेलल टू द पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन के डायरेक्शन में ही रहेगा। दोस्तों, आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकली किए होंगे तो आप लोगों को ये समझ में आसानी से आ रहा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 50, द लीवरेज रेशियो इज ओबिटेंड बाय, कहता है लीवरेज रेशियो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह एल ई डाइव्स के द्वारा इसको हम लोग जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, वर्किंग ट्रेन में यानी कि जब ट्रेन चल रही हो तो बीपी प्रेशर कितना होगा, तो उस समय होगा 5 kg/cm². दोस्तों जब 5 kg/cm² ब्रेक पाइप कराता है तो उस समय में ब्रेक जो है वो रिलीज कंडीशन में रहता है, और ज्यों ही 5 kg से प्रेशर ड्रॉप होता है यानी कि नीचे जाता है तो ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए वर्किंग ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में जो है ब्रेक पाइप का प्रेशर होगा 5 kg/cm². अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट फॉर प्रीमियम इंड टू इंड रैक इज, कहता जो प्रीमियम इंड टू इंड रैक होता है उसमें जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है उसका कलर कैसा होगा, तो कलर होगा उसका ग्रीन। तो दोस्तों एयर ब्रेक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें से हम इस वीडियो में 52 क्वेश्चन आंसर पर चर्चा किए हैं, और जो बाकी का क्वेश्चन आंसर है आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग रेल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और आगे भी बनाते जा रहे हैं, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल रेल टेक को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अंत में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे यदि आप एयर ब्रेक का और जो बचा हुआ प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।